नमस्कार वेब दुनिया खेल समाचारों में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं वर्ल्ड कप 2015 की खास खबरें। स्कॉटलैंड को हराने में न्यूजीलैंड को आया पसीना। विश्व कप में उलटफेर कोई नई बात नहीं है। हाल ही में आयरलैंड ने वेस्टइंडीज को हराकर विश्व क्रिकेट की बड़ी टीमों को आगाह कर दिया है। इसी क्रम में ग्रुप ए के मंगलवार को खेले गए न्यूजीलैंड और स्कॉटलैंड का मुकाबला भी बेहद करीबी रहा। अगर स्कॉटलैंड ने थोड़ी और मुस्तैदी दिखाई होती तो न्यूजीलैंड को लेने के देने पड़ सकते थे। ताप की दावेदार मानी जा रही न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने मंगलवार को सिटी ओवल मैदान पर खेले गए आईसीसी विश्व कप 2015 के पूले के अपने दूसरे मुकाबले में स्कॉटलैंड को 3 विकेट से हरा दिया। यह न्यूजीलैंड की अब तक लगातार दूसरी जीत है। मेजबान टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए स्कॉटलैंड के सभी बल्लेबाजों को 36.2 ओवरों में पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। मैट मचान 56 और रिची बैरिंगटन 50 को छोड़कर कोई अन्य बल्लेबाज स्कॉटलैंड की ओर से प्रभाव नहीं छोड़ सका। मचान ने 79 गेंदों का सामना कर 7 चौके और 1 छक्का लगाया। इस तरह बैरिंगटन ने 80 गेंदों की पारी में 4 चौके और 1 छक्का लगाया। दोनों ने 12 रनों पर 4 विकेट गिराने के बाद 5वें विकेट के लिए 97 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की। इसके बाद फिर लगातार अंतराल पर स्कॉटलैंड के विकेट गिरते रहे और पूरी टीम मात्र 142 रनों पर पवेलियन लौट गई। स्कॉटलैंड के 7 बल्लेबाज दहाई तक नहीं पहुंच सके। न्यूजीलैंड की ओर से डेनियल विटोरी और हरफन मौला कोरी एंडरसन ने 3-3 विकेट लिए। टीम साउदी और ट्रेंट बाउल्ट को 2-2 विकेट मिले। बाउल्ट को मैन ऑफ द मैच चुना गया। स्कॉटलैंड ने विश्व कप में अब तक एक भी मैच नहीं जीता है, लेकिन कीवी टीम के खिलाफ मैदान में उसकी मौजूदगी से साफ लग रहा था कि वह पहली जीत के लिए किस कदर आतुर है। ये थे आज के क्रिकेट समाचार। कल फिर से लेकर आएंगे क्रिकेट विश्व कप की खबरें। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.webdunia.com।